Hello and welcome back, dear students. So here today we will discuss about demo class of mock test कि किस तरह से आपको mock test attempt करना है जिसे आपको तुरंत ही वहां पर response मिल जाएंगे and evaluate your preparation. ठीक है, आराम से आप अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं कि आपने कहाँ mistake की है, कौन सा question आपका गलत हुआ है, कहाँ आपने क्या सही किया है. ठीक है, ये आपका instant response आपके सामने होगा, एक एक क्वेश्चन का रिस्पांस आपके सामने होगा. ठीक है, ये जो टेस्ट है ये टीजीटी, पीजीटी, एलटीजी, ट्रिपल एसपी, केवीएस और इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज से जुड़े जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए और वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि न्यू वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. ठीक है, जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन चैनल से रिलीज होती है वो एकदम से आपको मिल जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है और शेयर कर दीजिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए. सो नेक्स्ट बात करेंगे कि आपको करना क्या है. सिंपली आपको चैनल पर जाना है. ठीक है, गो थ्रू दिस चैनल और इस चैनल पर जैसे ही आप चैनल पर जाते हो, ठीक है, जो आपको लेटेस्ट वीडियो वहां पर मिलेगी उस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है. ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है. जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे आपको एक फॉर्म वहां पर मिलेगा. जैसे ही आप लिंक पर जाते हो, ठीक है, लिंक पर जाने के बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा इस तरह का. वहां पर आपको सेक्शंस में ये फॉर्म डिवाइड मिलेगा. मॉक टेस्ट सेट वन, ये टीजीटी इंग्लिश जो क्वेश्चन पेपर है उसका परफॉर्मा है. तो यहाँ पर बिल्कुल एग्जाम की तरह से ही 500 मार्क्स वहां पर होंगे. ठीक है, चाहे टीजीटी का हो या पीजीटी एग्जाम, 425 मार्क्स का होता है पीजीटी एग्जाम. ठीक है, 120 मिनट्स आपको इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए मिलेंगी. एग्जाम ड्यूरेशन ओनली 2 आवर्स की होगी, उसके बाद आपकी रिस्पॉन्स कलेक्ट नहीं होंगे. ये ऑनलाइन प्रोसेसर है, अपने आप ही वहां से कलेक्शन सबमिट होना बंद हो जाएगा. तो आपके पास टाइम भी पूरा 2 आवर्स का ही होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है. और फिर उसके बाद एक रिक्वायर्ड सेक्शन होगा, जैसा कि एग्जाम में भी होता है, आपको एग्जाम में फिल करना होता है आपका जो भी रोल नंबर वगैरह होता है. इसी तरह से यहाँ पर एक रिक्वायर्ड सेक्शन है जहां पर आपको अपना नेम फिल करना है. ठीक है, नेक्स्ट आपको फिल करना है अपनी पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो. मीन्स ये आप कौन सा एग्जाम दोगे, टीजीटी इंग्लिश. ठीक है, टीजीटी इंग्लिश का, तो इस तरह से आपको वो यहाँ पर फिल करना है, टीजीटी इंग्लिश एंड देन सिटी नेम यहाँ पर आपको कि आप कहाँ से हो. ठीक है, ये रिक्वायर्ड सेक्शंस होंगे. इनको फिल करने के बाद मुश्किल से 1.5 मिनट्स का ये काम होगा. नेक्स्ट क्लिक करना है बटन पर. ठीक है, जैसे नेक्स्ट बटन पर आप क्लिक करते हैं आप अपने टेस्ट पर पहुंच जाएंगे. यहाँ से आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा, मॉक टेस्ट जो पूरे 2 आवर्स का होगा. आपको सिंपली क्वेश्चन रीड करना है, उसका आंसर देखना है और वहां पर क्लिक करना है, लाइक शेक्सपियर बॉर्न इन ओके 1564. ठीक है, और इस तरह से एक सेक्शन में 10 to 12 क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, फिर आपको बैक पर क्लिक नहीं करना है. अगर आप बैक कर देते हो सकता है कि आपका एग्जाम बिल्कुल बैक हो जाए और आप फिर इसको अटेम्प्ट ना कर पाओ. ठीक है, बैक पर ध्यान रखना है, बैक पर नहीं जाना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है. नेक्स्ट आपका जो सेक्शन होगा उसको सॉल्व करते हुए आपको आगे बढ़ना है. ठीक है, इस तरह से आपका एग्जाम पूरा होगा, इस तरह से आपको परफॉर्म करते हुए अपने एग्जाम को आगे बढ़ जाना है. पैराग्राफ क्वेश्चंस भी होंगे, बिल्कुल आपके एग्जाम की तरह से, जिस तरह से टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम होता है बिल्कुल उसी तरह से आपको पैराग्राफ टाइप पैराग्राफ मिलेगा. उसके बाद आपको उस पैराग्राफ को रीड करके क्वेश्चन चूज करने होंगे और अपने आंसर देने होंगे. एंड देन जब लास्ट में आपको सबमिट फॉर्म करना होगा. ठीक है, जैसे ही आप इस पर सबमिट पर क्लिक करते हो वैसे ही आपको आपका स्कोर पता चल जाएगा. आप इंस्टेंट रिस्पॉन्स अपना देख लोगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं. ठीक है, और कितने आपने रॉन्ग किए हैं, कितने मार्क्स आपको मिले हैं. मीन्स इंस्टेंट इवेल्युएशन आप अपनी प्रिपरेशन का कर सकते हो. अब देखो यहाँ पर ये आपका रिस्पॉन्स आ गया है. ठीक है, तो इस रिस्पॉन्स में आपको आपके यहाँ पर टोटल पॉइंट्स शो हो जाएंगे. ठीक है, आप अपना नाम यहाँ पर चेक कर सकते हो. ठीक है, ये आपका है,
यहाँ पर आपको आपके टोटल पॉइंट्स भी दिख जाएंगे, है ना, टोटल पॉइंट्स कि कितने, 24, 8, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, 8 में से 8 पॉइंट्स आपको इस वाले सेक्शन में मिले हैं, सेक्शन वाइज भी आपको पॉइंट्स देखने को मिलेंगे कि किस सेक्शन में आपको कितने पॉइंट्स मिले हैं, 8 में से 8 पॉइंट्स आपने यहाँ पर गेट किए हैं, 12 में से 0 पॉइंट्स इस सेक्शन में मिले हैं क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे सारे रॉन्ग हो गए, तो इस तरह से आप इंस्टेंट वहां पर अपना रिजल्ट देख पाओगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आपको ऐसे ये सॉल्व करना है, इंस्टेंट रिस्पॉन्स आपको मिलेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, जल्द ही टीजीटी और पीजीटी का मॉक टेस्ट स्केड्यूल्ड होने जा रहा है, मे बी संडे को ही रखा जाएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे टेस्ट अटेम्प्ट कर पाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले और आप इस अहम टेस्ट का हिस्सा बन पाए। इससे आप अपनी प्रिपरेशन का इवेल्युएशन कर सकते हो, पढ़ने के साथ साथ हमें हमारा इवेल्युएशन भी जरूरी होता है, ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए।